लगने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। तंग आ गया हूँ, सीरियसली बहुत तंग आ गया हूँ मैं, कुछ करो, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो जरीना। ना बाबा, बहुत मुश्किल काम है। काम है क्या, तुम्हें मैंने बताया है? नहीं तो? तो कैसे पता कि ये मुश्किल काम है? अच्छा भला बताओ। सेठ साहब तो ऐसे चिपके हैं जैसे ट्यूब के ऊपर पंचर। बाबा तुम्हारी दुकान किधर है? किस चीज की? बाबा पंचर की। मैं तुम्हें शक्ल से पंचर वाला लगता हूँ? तो बाबा फिर मिसाल क्यों दी? जरीना कुछ करो कि सेठ साहब यहाँ से निकल जाएं। बाबा तुमको क्या मसला है? अरे भाई मैं तो तंग आ गया उनसे, हर वक्त ऑर्डर करते हैं, ये कर लो वो कर लो, नजर रखी हुई फुल टाइम, क्या कर रहा हूँ, किसको फोन कर रहा हूँ, क्या। उफ, तोबा है तोबा, तुम ही निकाल सकती हो जरीना, तुम ही। पापा सच्ची पूछो तो गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता है, लेकिन क्या करूँ, अदा की वजह से छोड़ देती हूँ। वरना क्या करती? मिट्टी फेंक के ना भाग जाती। तुम क्यों भाग रही हो, उनको भगाना है, कोई तरकीब सोचो। बाबा मेरा तो दिमाग नहीं चल रहा, ऐसा करो एक कप चाय पिला दो फिर ऑर्डर। अरे तो फिर भला उसको भेजना नहीं है क्या? अरे जानी बाबा एक बात बताओ, वो तुमने पापा जानी को देखा है? बच्चू भाई मैं तो थक ही गया हूँ उनको देख देख के, अब तो दिल ही नहीं करता, उल्टी आ रही है। बाबा बहुत तपावा आया है बाबा अंदर से, कोई खैर है? जरीना तुम ही बताओ। अरे बाबा इसको क्या हो गया है, सब खैर तो है? अरे बाबा तेरे सोरे से बहुत परेशान हूँ। बाबा आहिस्ता बोलो, कैसी माना सुन ले। बता तू भी ना, पक्का शोहर है? अरे बाबा अब इसको क्या हो गया है, ये सभी तवे पे बैठे हैं क्या? यार कमर अल्लाह अल्लाह, कमर ये लचके रे अल्लाह अल्लाह। अरे पापा जानी क्या हो गया, ऐसे क्यों लेटे हुए हैं बाबा पानी की मछली की तरह? क्या बकवास है जी? अब मेरा मतलब है कि क्या हो गया, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? कमरिया लचके रे, कमर में बहुत दर्द है जी। अरे पापा जानी कोई मसला ही नहीं है बाबा, अब मुर्गा बन जाए अभी सही हो जाएगा। मुर्गा बन जाए? अरे पापा जानी गांव में एक जरा था, वो ऐसे इलाज करता था, आप भी एक दफा ट्राई कर लें, कमर का दर्द खत्म हो जाएगा, ना हो तो पैसे वापस। कौन सा पैसा जी? जो आपने मुझसे लिए थे। तुम्हारे दिमाग तो ठीक है, कौन सा पैसा लिया था जी? ठीक है पापा, नहीं लिए होंगे, मैं तो ऐसी ट्राई मार रहा था। अगर तुम मेरे दामाद नहीं होता ना, ला ला ला। अल्लाह। अरे पापा जानी कमर का दर्द ठीक हो जाएगा, एक मरतबा ट्राई तो करो, जरे का शर्तिया इलाज है। मैं ट्राई मारता जे। मुर्गा बनो बाबा, मुर्गा बनो, शाबाश। बनता। शाबाश बाबा, शाबाश। हाय हाय। पापा जानी और नीचे। ये ठीक है बाबा, पीछे से ऊपर गद्दा फाड़ के अंदर चला जाए। अब सही नहीं है ना, आगे से नीचे। बाबा पीछे से ऊपर। क्या करता नीचे ऊंचा करता है यार। बाबा और नीचे और नीचे। क्या कर रहे हो तुम, मेरे पापा को मुर्गे जैसे क्यों बना हुआ है? अरे वो मुर्गी के कहने पे बनाया है बाबा। ओहो ये क्या हो रहा है? ये बच्चों ने मेरे को मुर्गा बना दिया जी। पागल हो गए तुम बच्चों, अगर उनकी कमर में दर्द है तो उनको सूप पिलाओ। अरे बाबा वो भी तो मुर्गे का ही बनता है, मैंने सोचा डायरेक्ट मुर्गा बना देता हूँ। पापा आप तो पढ़े लिखे। मुर्गा का जाए लाला जी। पापा अब एक बात सुने, आप जाए डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल और चेकअप कराए, क्या हालत हो रही है आपकी? बच्चों पापा को डॉक्टर के पास लेके जाओ। आओ पापा मुर्गे, मेरा मतलब है पापा जानी आ जाओ। अंडा भी देगा पापा जी। मेरे भाई कहाँ फोन कर दिया आपने?
आटे की चक्की, चक्की वाली, क्या बोल रहे हो भैया, क्या बोल रहे हो? हाँ 10 किलो आटा पहुँचा दूँ? नहीं भाई, नहीं भाई, ये परचून की दुकान नहीं है भाई, हम दूध का कारोबार करते हैं। दूध बोले तो मैं हाजिर। क्या दही? बात सुन, इस वक्त तू मेरे दिमाग की दही बना रहा है, रख फोन, तू रख, मेरे तू रख, रख। हाँ अजीब किस्म के बदतमीज लोग हैं। हेलो मिस्टर जानी, कैसे हैं आप? कैसे आना हुआ? अरे भाई एक काम था तुमसे, उम्मीदें कर दोगे? पहले बोलते तो हो जाता, ईमान से कल ही पेमेंट किए। आप गलत समझ रहे हैं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर चेक दे दें? ये कैसा मजाक है? क्यों, आप कर सकते हैं मजाक, मैं नहीं कर सकता। अच्छा काम बताएं। काम ये है भाई कि रोजाना 5 किलो दूध थाने में पहुंचाना है। पहुंच जाएगा, पेमेंट कौन करेगा? पेमेंट कौन करेगा? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, पेमेंट कौन करेगा? अरे भाई यही तो मैं बता रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब तो आप समझ जाए ना? ना, 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 ना ये मैं नहीं कर सकता। बेग साहब, बेग साहब आप कब आए? अभी अभी आए। बेग साहब सीमा मैम से डायरेक्ट बात कर ले। किस चीज का? अरे कह रहे हैं कि रोज थाने में 5 लीटर दूध पहुंचा दो और वो भी फ्री। देखिए अगर आपके अकेले की बात होती ना बेग साहब तो कोई मसला ही नहीं था, इतना दूध तो हमारा बिल्ला भी रोजाना पी जाता है, पर पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन ये नहीं हो पाएगा। लेकिन भाई मैंने तो थाने में हाँ कर दी है। अच्छा तो फिर आप एक काम करें, आप ना एक भैंस खरीद लें और उसके सर पे सारे लगवा दें। क्यों? अरे लोगों को पता चलना चाहिए पुलिस वालों की भैंस है। वाह क्या आइडिया दिया, वाह जबरदस्त। सेठ साहब, सेठ साहब मेरी मदद कीजिए, खुदा का वास्ता मेरी मदद कीजिए। आप कौन है मोहतरमा? तुम डाकू मेरे पीछे पड़े हुए। क्यों तुम एटीएम मशीन से होकर आई हो? वो भी बच्चे को छीनना चाहते हैं। कमाल हो गया जी, मोबाइल छीनने वाला बच्चे भी छीन रहे हैं। नहीं नहीं वो उस बच्चे के पीछे पड़े हुए। बच्चे ने क्या किया इसका जी? ये बहुत अमीर घर का बच्चा है, वो उसको अगवा करना चाहते हैं। किसका बच्चा जी? इंसान का बच्चा है। नजर आ रहा है इंसान का ही है। आप थोड़ी देर के लिए रख लेंगे इसको? नहीं नहीं हम नहीं रखने का भाई। आप लगता है आपके सीने में दिल नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? अंदर पपीता लगा हुआ, दिल ही लगा जी, दिल दिल होता ना आप इस बच्चे पे तरस खाते। अगर खाना नहीं खाया होता ना तो फिर तरस खा लेता जी। नहीं जल्दी ले लें, इसको पकड़ ले। अच्छा अच्छा यार मेरे बच्चे को भूग लगता है। बोतलवा सुनने का, भूख लगता है, भूख लगता है बच्चे। अरे वो मेरे पापा ही है ना, तो उसमें क्या बुराई है कि मैं यहाँ पे रह रहे? अरे बाबा बुराई है ना, सारे मुझको घर दमाद समझ रहे हैं मोहल्ले में। तो समझने दो, मुझे लोगों की कोई फिक्र नहीं है। अरे बाबा मुझे तो है ना आपके पापा जानी की, अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो लोग मुझ पे शक करेंगे। मुबारक हो, मुबारक हो बाबा, मुबारक हो। अरे बाबा क्या हुआ, सब खैर तो है? अदा तुम्हारा साला पैदा हुआ है। अरे बाबा दिमाग तो ठीक है तेरा, कहीं पति वाला पान तो नहीं खाया तूने? दिमाग खराब हो गया तुम्हारे, किस बात कर रही हो तुम? अरे नहीं बाबा मैं सही कह रही हूँ, मैंने सेठ साहब की गोद में खुद बच्चा देखा है। अरे बाबा तुम्हें गलत फहमी हुई होगी, कोई खिलौना होगा हाथ में। अरे बच्चे भी तो खिलौने ही होते। अरे बाबा मेरे तो है नहीं ना, तो मुझे कैसे पता चले? सही ना, तुमने खुद देखा है? हाँ पापा मैंने खुद देखा है, सेठ साहब ना बच्चे को गोद में बोल रहे थे मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। और जाकर देखूंगा, लेकिन जरीना एक बात याद रखना, अगर ये बात मजाक निकली ना मैं तुमसे बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी, समझी? हाँ बाबा आओ चलो देखते जी, आजा। पाजा एक खुद ही जाके देख लो, जब देखो मेरे पीछे ही पड़े, मेरी तो किसी बात का यकीन ही नहीं करती है। खट्टा मीठा खट्टा मीठा मेरे गुगने गुगने मेरे गुगने गुगने ओय होय होय। सेठ साहब ये बच्चा किसका है? जैन का बच्चा। अरे भाई इंसान का बच्चा ना। सेठ साहब मैं आपको ऐसा नहीं समझता था, इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई, बहुत अफसोस हुआ। तुमको किसने कहा मेरा बच्चा है? अभी आप खुद तो कह रहे हैं जिन का बच्चा है। क्या मैं जैन है? अरे जैन तो खैर नहीं है, भूत है आप तो। क्या बकवास है जी? ये बच्चा किसका है? बाबा मैं आपको ऐसा नहीं समझती थी, आप क्या निकले? अरे बाबा मैं मोहल्ले वालों को मुंह क्या दिखाऊंगा, यही वाला। अरे बाबा तुम तो चुप करो। ऐसा कुछ नहीं है, एक खातून आया मेरे गोद में डाल के चला गया। ना ना, ना ये फिल्मों में होता। नहीं नहीं हकीकत में भी ऐसा होता ना जी। सही सही बताए पापा जानी, माजरा क्या है? गेट पुलिस की आवाज, पुलिस कहाँ जा गई? अरे बाबा जानी जाओ ना, पता करो ना बाबा। मेरे को तो घबराहट पैदा हो गया, मैं तो जाता भाई, मैं तो जाता, मैं जाता। सीमा पुलिस बाहर, बच्चा अंदर, बाबा दाल में कुछ काला है, मरवाएंगे तुम्हारे पापा। ओ अभी से क्यों परेशान कर?
करो, जानी को आ तो जाने दो, देखते क्या हो रहा है। अरे बाहर पुलिस वाले कह रहे कि आज ही अस्पताल से एक बच्चा अगवा हुआ है, तो उनको हमारे घर पे शक है, वो तलाशी लेना चाह रहे हैं। लो गई भैंस पानी में, मरवा दिया तुम्हारे पापा जानी ने, अब क्या होगा। हाय हाय, तो ये बच्चा पता नहीं बेचारा किसका है, रोए जा रहे हैं, मैं इसको तो देख के आऊं। देखो तो, अरे पापा तुम तो उनको चाय पानी पिलाओ ना, हम देखते हैं क्या कर रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ करना, आइंदा मैं ऐसे घर में कभी काम नहीं करूंगा। सही बताएं अशमत साहब, ये बच्चा किसका है? हमको मालूम नहीं, एक औरत जो है ना अमार को देख कर चला गया। मेरी बात सुने, झूठ ना बोले, मैं ना आपको पहचान गया हूँ, आप बच्चे अगवा करते हैं और अगवा बराए तावान के सदर भी हैं। मैं किसी कमेटी का मेंबर नहीं है और तुमने मेरे को सदर बना दिया जी। सेठ साहब सच सच बताएं, वरना हमें सच उगलवाना भी आता है। आपको गलत फहमी हो गई है सचो साहब। अरे बकवास ना करे गलत फहमी के बच्चे, तुम लोग सब आपस के अंदर मिले हुए हो, सबको अंदर कर दूंगा, समझ आइए। कितने साल के लिए? ना इसका फैसला तो अदालत करेगी ना। नदीम साहब मुझे तो इन पे पहले ही शक था कि आखिर इनके पास इतना पैसा आया किधर से। हाँ बेग साहब आप तो हमारा आदमी है ना जी। अरे बकवास बंद करो, और मैं सिर्फ अपनी बीवी का आदमी हूँ। ऐसे तो साहब मेरे पापा ना बिल्कुल ऐसे नहीं है। नदीम नाम है मेरा, नदीम ना ये तुम्हें छोड़ेगा नहीं, समझ आई है? तो मैं कौन सा असलम परवेज जी? अरे पापा जानी ये फिल्मों वाला नदीम नहीं है, ये SHO नदीम है। क्यों नदीम भाई? और नदीम साहब टाइम जाया ना करें, हथकड़ी लगाएं ने। ओए हथकड़ी तो मैं लाना ही भूल गया। और वो क्यों? और वो बच्चे घर में जो है वो चोर सिपाही खेलते हैं ना। अच्छा, इस वजह से। देखिए नदीम साहब मेरे पापा बिल्कुल बेकसूर हैं। हर मुजरिम यही कहता है मैं बेकसूर हूँ। तो बाबा अब क्या करें? मुक्का वो क्या होता है? सीधे होके खड़े हो जाओ और चलो मेरे साथ आने, बताता हूँ क्या होता है। हाँ कोई मदद करेगा बाबा की? ए कोई अल्लाह सखी, हाँ सखी का बेड़ा पार होगा बाबा को, ये अल्लाह के नाम पे दे दे कुछ बाबा। अरे बाबा माफ करो। माफ नहीं करूंगा, 1000 रुपए का नोट लूंगा। 1000 रुपए? 1000 रुपए का भला तुम क्या करोगे? वो गर्लफ्रेंड को खाना खिलाऊंगा। वाह वाह वाह, फकीर होकर तुमने गर्लफ्रेंड बनाई भी है? नहीं नहीं, गर्लफ्रेंड ने फकीर बना दिया। अरे बाबा जाओ कल ले लेना। इस कल के चक्कर में मेरा बहुत पैसा फंसा हुआ है मार्केट में। अरे बाबा कहा ना माफ करो, मुझे पैसे देगी तेरे मन की मुराद पूरी होगी, जो मांगेगी वो मिलेगा बच्चा। अच्छा भला क्या मेरी शादी हो जाएगी? वो तो फौरन हो जाएगी। वो भला कैसे? मैं जो आ गया हूँ। क्या मतलब है? मेरा मतलब है पहले 1000 का नोट दे बच्चा। गंदा कहीं का ना हो तो। अच्छा ये लो। वाह बच्चा तूने बाबा की मुराद पूरी की, अब मांग क्या मांगती है? मैं अपना 1000 रुपया वापस ले लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बाबा बाबा जा बच्चा जा। बात क्या आपको बताना जी ना, तुम्हें पता है तुम्हें क्यों लेके आए यहाँ पे? अब समझ आया, हमसे उधार पैसा ले गए ना तुम। ओए बकवास बंद करो, समझाओ इनको बेग साहब। ओए इंस्पेक्टर नदीम साहब बहुत सख्त आदमी है। क्या क्या सुबह पराठे में सीमेंट लगा के खाता है? सख्त आदमी। अगर तुझ पे केस बन गया ना तो सुबह 9 बजे तुझे फांसी हो जाएगी। ऐसा की इसमें क्या बात है? सुबह 9 बजे हमको फांसी आ ही नहीं सकता। वो क्यों? हम तो उठते हैं 11 बजे। बकवास सुनो इसकी, बकवास, इसका पर्चा काटो। पर्चे का छोड़ो जी, पहले मेरी जो है ना कल में काटो, बहुत लंबा हो गया। और तुझको हम नहीं नजर आते हो जाएंगे। और सेठ साहब आप पे दफा लगेगी 148। मैं नहीं मानता इस दफा को, दफा करो जी। अब मुझे लगता है ना ये बंदा ऐसे नहीं मानेगा, आप मोबाइल मंगाओ और इसको मोबाइल में धक्के दे के लेके चलती है ना। मैं ताने नहीं जाने का। और क्यों नहीं जाएगा? मुझे काम पे जाना जी। ओए अब सारे काम जेल में होंगे, और रात को तू झाड़ू लगाएगा, सुबह चक्की पीसेगा, पत्थर तोड़ेगा, पूरी दीवारों पे रंग करेगा। अच्छा दिहाड़ी कितना मिलेगा जी? बकवास ना कर, दिहाड़ी कितनी दोगे का बच्चा? मेरा मतलब है मुझको माफ कर दो, ये बताओ करना क्या जी? चला लेके चला इसको। बात तो सुनो। खट्टा मीठा।
खट्टा मीठा। कितना मासूम लग रहा है ना ये बच्चा। अरे हाँ बाबा, बच्चा तो मासूम है लेकिन उसका क्या करें जो आपके बाबा ने खड़ा किया है मसला बाबा। वैसे मेरे पापा की क्या गलती है, गलती तो सारी उस औरत की है ना जो ये बच्चा उठा के लेके आई है। ये औरतें कितनी तकरीबकार होती हैं। क्यों जरीना? अरे बाबा मुझसे क्या पूछ रहे हो, मैं औरत थोड़ी हूँ, मैं तो अभी बच्ची हूँ। एक बात की मुझे समझ नहीं आई, ये जो जो लड़कियाँ बड़ी होती जाती हैं, हमने आपको बच्ची क्यों समझती हैं? अरे बाबा पता है लड़कियाँ जो ना इसी परेशानी में रहती हैं कि 18 साल के होने पर ना होने शनाख्ती कार्ड में औरत लिखवाना पड़ेगा। अच्छा, तो औरतों पे काफी फलसफा पढ़ा हुआ है आपने है? तो मर्दों के बारे में क्या ख्याल है? हीरो कहाँ से? देखो ना, कभी चूल्हे पे दूध रखा और वो उबल रहा हो, बंदा दौड़ता हुआ जाए और चूल्हा बंद करे, ऐसी हीरो जैसी फीलिंग आती है। अरे बाबा कुछ जलने की बदबू आ रही है। अरे मैंने तो दूध चूल्हे पे रखा, लगता है जल गया। हटो साइड में। अरे बाबा ये कैसे जा रहे हैं? वो पुलिस वाले पापा से सब क्या पूछ रहे होंगे? पूछ कम रहे होंगे और मार ज्यादा रहे होंगे। नहीं नहीं, अगर मारे होते तो चीहों की आवाज आ रही होती ना। अरे नहीं बाबा, हो सकता है ना मुंह में कपड़ा ठूस के मार रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा क्यों करेंगे, वैसे भी मेरे पापा के कमर में आज बहुत दर्द है। अरे बाबा फिक्र नहीं करो, जब वापस आएंगे ना तो उनकी टांगों में भी दर्द होगा। चुप करो और चलो मेरे साथ, देख रहे हैं पापा से क्या बात करें पुलिस वाले। तुम जरा बच्चे को देखो। पुलिस वाले किधर जा? चलो ना। आए दिन कोई ना कोई मसला होता रहता है इनके घर। अबे अब क्या ले आया तू? नहीं अरे मानी भाई, कुछ पता भी होता है आपको, अंदर पुलिस है। पुलिस? अबे पुलिस किस केस में अंदर हो गई? भाई तफ्तीश करने के लिए आई है पुलिस, अगवा का केस है। अब उन्होंने बच्चे भी उठाना शुरू कर दिए। अबे ये तो हमारे मोहल्ले को बदनाम कर रहे हैं यार। अरे मानी भाई फिर आप अपना मोहल्ला ही छोड़ दो। अबे पागल हो गया पप्पू यार, कैसी बातें कर रहा है, मैं क्यों छोड़ दूं, उनसे छुड़वा। बात सुनिए, एक एड्रेस नहीं मिल रहा, आप बता देंगे? कोई मकान नंबर वगैरह कोई है बताइए। मकान नंबर क्या था, घर कौन सा था, कुछ याद नहीं आ रहा। आंटी ऐसे कैसे चलेगा, कोई निशानी तो होगी। निशानी? हाँ एक बड़ी उम्र का आदमी है। वो बड़े आदमी की कुछ शक्ल वगैरह बता दे ताकि आसानी हो जाए। शक्ल? हाँ स्मेल तरह जैसे दिखता है। मानी भाई कहीं सेठ इश्मत की तो बात नहीं कर रही है? वो सेठ है, शक्ल से तो मजदूर लगता है। आखिर बात क्या है? मेरा बच्चा उनके पास है। बच्चा? अच्छा वो आपका बच्चा है, वो जो सामने खड़े उसमें आज पुलिस भी आई हुई है। पुलिस? आप मेरे साथ चलिए ना। ना ना नहीं 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 नहीं, नहीं। आए ना। आप कुछ चली जाए, पता नहीं क्या मसला है, बुलाओ जो हम फंस जाएंगे। मैं इतना जुर्माना नहीं दे सकता, थोड़ा डिस्काउंट करोगे जी? ना जी ना, इससे कम नहीं हो सकते, हमारे भी खर्चे हजार होते हैं, बेगम को भी इजी लोड करा के देना पड़ता है 1000 रुपए का। आप नंबर दे दो बेगम का, मैं खुद कर देगा जी। बकवास बंद करो, चलो तुम शुरू करो। अरे एसएचओ साहब क्या फैसला किया है बाबा? ये मेरे पापा को हमने किस चीज से बांधा हुआ है? अरे भाई हथकड़ी नहीं थी तो इसने इससे बांधी है। अरे बेचारे वो ऐसे गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं जैसे जिपा करने के लिए लेके जा रहे। यार मैं बेकसूर है जी इस बच्चे से पूछ लेने का। और मुझे क्या बताओ, इतना सा बच्चा कैसे बता सकता है? तुम ऐसा करो ना, जल्दी से पैसे निकालो बस। एक मिनट मैं बताती हूँ। ना आप कौन है? ये वही औरत है जी ये इस बच्चे को लाई थी। जी इंस्पेक्टर साहब, इस बच्चे को मैं ही लाई थी। शर्म नहीं आती आपको, अपने बच्चे को ऐसे कौन छोड़ता है भला? ये बच्चा मेरा नहीं है, मेरे मालिक का है। मैं पैसों के लालच में आ गई थी, कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए थे, इसलिए बच्चा मैं इनको देकर चली गई। इतनी घटिया हरकत, जोड़ तोड़ से पहले ही आ गई। अरे बाबा मासूम बच्चों को अगवा करना कितनी बुरी बात है बाबा। बस मुझसे गलती हो गई, मेरा जमीर जाग उठा है, अब मैं तौबा करती हूँ, आइंदा ये गलती नहीं करूंगी। बेग साहब आप ऐसा करें ना, इस औरत को और बच्चे को लेके आप थाने पहुँचे, मैं भी आता हूँ। ठीक है लाओ बच्चा। जाओ बाबा जाओ जरीना, जाओ जाओ शाबाश। मैं बहुत माफी चाहता हूँ, आप लोग जा सकते हैं। एक्सक्यूज मी, ये हमारा घर है, आप जा सकते हैं। शेख साहब कुछ खर्चा पानी तो हो जाएगा ना? दूसरे बच्चे पे जाएगा, दूसरे बच्चे। जानी बाबा साईं ना तुम्हारी तारीफें कर रहे थे। अच्छा क्या? बेवकूफ गधा शैतान जाहिल। वाह तो अपने सारे रिश्तेदारों को याद कर रहे हैं आप। अदा आ गई ना मक्खी। तुमने मुझे मक्खी बोला? हाँ वो भी शहद की जो जहरीला डंग नहीं मारती वो। जिस दिन मैंने डंग मार दिया ना सारे घर में नाचती फिरोगी। अरे बाबा तो फिर हल्का कर देना इस बोझ को। अच्छा
कैसे? ये खाली सुजुकी घूम तो रही है आपके सामने। अच्छा आपकी शादी है कब है? कार्ड पे लिखा होगा। लड़का क्या करता है? कार्ड पे लिखा होगा। अरे बाबा हाल में या तंबू में? कार्ड पे लिखा होगा। ये मुझे यार बहुत अच्छी लगती है मगर उनको आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तुम्हें कैसे पता? अरे बाबा कोई चक्कर चलाओ ना अपना। अरे बाबा मेरा मैं कह रहा हूँ। कहाँ है आंसू? नजर तो नहीं आ रहा। अरे खुशी के आंसू है नजर नहीं आते। यकीन करो मेरा दिल भर आया। लेकिन बाबा पानी तो कहीं से नहीं गिर रहा है। इम्प्रोवाइज़ी नहीं मतलब क्या है वट्टा सट्टा जो नो कर वो जाकर भी अंदर भी है बाहर भी नमक है कम आटा ज्यादा